आमा म गएको आलिपुर बस न गाडी आउँछ ल यहाँ आउँछ अपने घर से निकल रहा हूँ जरूरी काम से जा रहा हूँ बाहर बाहर बोला था अलीपुरद्वार सामने है अपना जीजाजी बुला रहे हैं मेरे को गाड़ी का कुछ काम है उनका गाड़ी का नाम कुछ चेंज करना है इसके लिए मैं जा रहा हूँ आपको वहाँ पहुँच के मैं अपडेट करता हूँ मेरा जीजाजी का घर जाने का रास्ता है जीजाजी उसका बेटा मेरा भांजा उसको लेके जा रहे हैं हम लोग वो गाड़ी खरीदा है सेकेंड हैंड गाड़ी ठीक है दोस्तों इनोवा 2013-14 मॉडल है उसका नाम चेंज करने के लिए आज अलीपुर का डेट था उस डेट पे हम लोग जा रहे हैं क्या देखिए दोस्तों मौसम बारिश का मौसम देखिए किस प्रकार से और ये है मेरे जीजाजी घर दीदी का नहीं हुआ रेडी मेरे को फोन कर परेशान कर दिया नाश्ता ये मेरा बड़ा भांजी है भांजी कैसी हो अच्छी हो ना अच्छा ही रहे ना आई होप ये मेरा जीजाजी ये दीदी है ये मेरा सबसे छोटी बहन भाग गया देखे देखे कैमरा को देखते भाग जाता देखो 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 कैसा है क्या है तुम तो ये हमारा सोल्टी है विनोद आई विनोद कब आए भूटान से ये भूटान में रहता है इनका बीवी भूटनी से इसलिए भूटान में रहता है ये हमारा छोटा सा प्यार सा नन्ना सा भांजी है सबसे छोटी भांजी है ये हमारा कांची बहनी छोटा बहन है हम लोग बहुत छोटा परिवार है दीदी बहन और मैं हूँ हमारा परिवार में ये सब स्टाइल है ये देख कांची क्या हो गया इसको आज तो कबड्डी खेल रहा है क्या है हाय दोस्तों हेलो दोस्तों आप सब कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे अच्छे ही रहना और हमेशा स्वस्थ रहना और हंसमुख रहना क्योंकि हंसने से जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है दोस्तों ठीक है ये मेरा कहना है और मेरा मानना भी है आज हम लोग तो अलीपुर द्वार की तरफ जा रहे हैं कुछ इस किसका काम से मालूम है मैं दिखाता हूँ आपको इस गाड़ी का देखिए इनोवा गाड़ी है इसका नाम चेंज करना है नाम चेंज करने के खातिर हम लोग जा रहे हैं अलीपुर द्वार हम लोग को आज का डेट दिया गया है इसे जैसे किसी भी हालत में हमको अलीपुर द्वार पहुँचना ही है ठीक है दोस्तों आपको तो मैं अपना भांजा से मिला ही चुका हूँ पहले वाला ब्लॉक मिरिक का ब्लॉक में आप लोग देख चुके होंगे तो हम लोग देरी ना करते हम लोग जाएंगे अभी सब जन गाड़ी में बैठ के अलीपुर की तरफ जो भी रास्ते में जो भी नज़ारे मेरे को मिलेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा आपको तो मालूम मैं हमेशा आपको अपडेट करता रहता हूँ और ये तो अचानक सा एक ट्रिप बन गया मेरा अलीपुर द्वार का उसी ट्रिप का शूट कर रहा हूँ ठीक है दोस्तों तो आपसे लेता हूँ मैं परमिशन और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अलीपुर द्वार का नजराने ठीक है दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो पे अभी तक गाड़ी के अंदर का दृश्य है अंदर से मैं फोटो ले रहा हूँ वीडियो कर रहा हूँ एक नज़ारा आपको दिख रहा है बारिश बहुत हो रहा है बाहर देखिए गाड़ी का वाइपर इधर से उधर हो रहा है बारिश हो रहा है इसके लिए भाई भूले अलीपुर बारा चला अभी हम लोग बस्ती बाजार आ गए सताली में बस्ती बाजार में से आगे जा रहे हैं इसके बाद आपको मंडी मेहंदी पारा मिलेगा मेहंदी पारा से आपको फिर निमती मिल जाएगा उसके बाद अलीपुर हम लोग पहुँच ही जाएंगे आपका सही दूसरा है दोस्तों एक बार आप नज़ारे आपको दिखाने का मन किया मैं दिखा रहा हूँ इस प्रकार का नज़ारे हैं अलीपुर तक पहुँचने तक हेलो देखिए दोस्तों भैया है वही भैया है मेरा ठीक है इन भैया से मैं पहली बार मिल रहा हूँ इस वाला भैया से मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ पहले भी हम बहुत पुराना जान पहचान है हम लोगों का इन्हीं भैया से हम लोगों ने गाड़ी लिए थे जो मेरा भानिज का नाम पे करना है इसी नाम ट्रांसपोर्टेशन के चलते हम लोग अलीपुर द्वार पोर्ट पर जा रहे हैं और सबका गाड़ी का पेपर वो लेके सबको जा रहे हैं गाड़ी वो भैया का था इनका गाड़ी था इन्होंने इनको बेचे थे ये भैया भैया का बेचे थे उसके बाद फिर हम लोग ने लिया ठीक है दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये मेरा सोल्टी है और ये हम लोग का गांव का भैया है अंकल है ये अंकल है आगे में तो मेरा भांजा और मेरा जीजाजी बैठे हुए हैं उसका तो मैं अभी पीछे बैठ के आपको नहीं दिखा सकता हूँ फुटेज ठीक है तो हम इस प्रकार से जा रहे हैं अलीपुर द्वार ठीक है दोस्तों
आप बने रहे मेरे वीडियो में, मैं आपको कुछ भी मिलूंगा आपको अपडेट जरूर करते रहूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके, हम लोग आगे रास्ते की तरफ और रास्ते का नज़ारा आपको मैं हल्का सा दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। बारिश, इतना जोर से बारिश हो रहा है, देखिए दोस्तों नज़ारे, आप भी बारिश का भयंकर बारिश हो रहा है आज। बारिश देखिए, मीन हम लोग साहब पूरा आने वाले पूरा। अलीपुर कम से कम 15-16 किलोमीटर जाएगा दूरी पे। बम हो जाए ना पूरा। हम लोग अलीपुर का टर्निंग पहुंच गए दोस्तों। यहाँ से अलीपुर सीधा जाता है, यहाँ से कम 7 किलोमीटर दूरी पे अलीपुर द्वार है, ये रास्ता जाता है। अब हम लोग सीधा अलीपुर द्वार जा रहे हैं, ये दमनपुर है, दमनपुर से 7-8 किलोमीटर अलीपुर द्वार है। आपने आस्ते तो জংশন তারপরে কোর্ট। दोस्तों हम लोग अलीपुरद्वार कोर्ट में आ चुके हैं, अभी जस्ट आए हैं हम लोग, गाड़ी से उतर चुके हैं, उनका काम साहब काज को कर रहे हैं जीजाजी लोग। हम लोग थोड़ा एक तो एक नज़र अलीपुर का कोर्ट के सामने का दृश्य लेना चाहते हैं। ये देखिए डोर्स कन्या, यहाँ पे ऑफिशियल वर्क किया जाता है, कहीं का भी जो अलीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसका गवर्नमेंट का कोई भी काम हो इस डोर्स कन्या पे होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ लिखा है, आई लव अलीपुर द्वार लिखा है, वहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा। ये सब कोर्ट का प्रीमिस है, ये देखिए। आई लव अलीपुर द्वार, ये डोर्स कन्या देखे दूसरे बिल्डिंग डोर्स कन्या, यहाँ पे सब ऑफिशियल काम होते हैं गवर्नमेंट का, जितना भी है, जितना भी अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आते हैं सबका हेड ऑफिस आप कह सकते हैं। यहाँ पर ऐसे काम होता है, यहाँ में सब आदमी लोग आते हैं। देखिए ये देखिए डोर्स करने दिखाई दे रहा है ना, डोर्स करने आई लव अलीपुर द्वार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हल्का सा लिखा हुआ है, इस प्रकार से लिखा गया है, देखिए अच्छा है ना, अच्छा है ना। बारिश हो रहा है दोस्तों, बारिश के चलते मैं उतना वीडियो में खुल के नहीं बता पा रहा हूँ आप लोगों को, बारिश से भीगा, देखिए बूंदा बूंदी बारिश पूरा हो रहा है। इस डोर्स का नया हेड ऑफिस जैसा लगता है ये अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का कुछ भी काम जो अटका है, जिसे करना है, जिसे रिक्वेस्ट करना है, वो सब कर सकते डोर्स का नया पे। ठीक है, हम लोग देखो सबका
के आपको मार्ट की ओर लेके चलता हूँ। मार्ट में थोड़ा सा वीडियो बनाता तो मैं आपको, ठीक है, मार्ट में लेके चलता। मार्ट पे हम लोग गार्डन कहते हैं, मतलब बगान, फुटबॉल खेलने ग्राउंड कहते हैं ना, जो ग्राउंड को मार्ट कहते हैं। मार्ट में क्या क्या होता है वहाँ का, मैं एक तो आपको बताता हूँ, उसके बारे में जानकारी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार दूसरे हैं, हम लोग थोड़ा मार्ट के अंदर घुस रहे हैं दोस्तों। गेट है ये, वो बड़ा गेट वाला है, ये छोटा सा गेट है। बंजारा लोग है वो रहते हैं शायद इस जगह पे, कुछ ऐसा है नज़ारे। बजा है ना, एक सीट बना के एक चल गया सीट को। ए ऐसे सुन रहे हो, बाट रहे यहाँ आदमी लोग का बैठने का जगह देखे दोस्तों। इस प्रकार से दूसरे नज़ारे हैं। ये पूरा गार्डन टाइप में बनाया गया है मार्ट के अंदर में। ये मार्ट के अंदर का सीन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सोलर लाइट है, मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूँ। बारिश के चलते सब जगह खाली है, बारिश नहीं रहता, अगर धूप निकले रहता तो यहाँ पे आदमी लोग बहुत होते थे, बहुत रहते थे, बैठने के सीट वगैरह बनाए सब पैक रहते थे। अभी सब खाली है, देखे इस ग्राउंड का रिपोर्ट देखिए, कुछ इस प्रकार से है रिपोर्ट। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था आप लोगों से, अलीपुर द्वार तो मालूम है हम लोग का एरिया का, अलीपुर द्वार कितना फेमस जगह है यहाँ पे, क्योंकि सब कोर्ट, म्यूनसिपलिटी, बड़े बड़े जो काम होते हैं वो सब इसी जगह पे होते हैं। हम लोग जय गाँव से यहाँ पे आना पड़ता है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, चाहे गाड़ी का नेम चेंज करना हो, चाहे कोई भी काम जो गवर्नमेंट से रिलेटिव है वो काम का, इसलिए हम लोग अलीपुर आना ही पड़ता है। पहले तो अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट नहीं था, सब डिविज़न था, लेकिन अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हो चुका है अलीपुर द्वार। पहले हम लोग का जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है दोस्तों, अभी अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो ये कोई नया तो सीन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे को लगता है यहाँ पे तो आप लोग आ चुके हैं, किसी न किसी काम से आप लोग आ चुके होंगे दोस्तों। ये तो ड्राइविंग लाइसेंस काम यहाँ पे बनता है, एक तो आपको ट्रायल देना पड़ता है, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है आपका, और भी सारा काम जो गाड़ी का फिटनेस वगैरह हो गया, गाड़ी का पेपर वगैरह हो गया, इंश्योरेंस वगैरह हो गया, सब चीज़ का ऑफिस यहाँ पे, पासपोर्ट ऑफिस हो गया, पासपोर्ट का काम करना है, पासपोर्ट बनाना है, नया बनाना है, रिन्यू करना है, सब काम अभी हम लोग का अलीपुर द्वार में होता है दोस्तों। सभी काम हम लोग का अभी इधर उधर जाना नहीं पड़ता। पहले पासपोर्ट के लिए हम लोग कोलकाता जाते थे, लेकिन उसके बाद सिलीगुड़ी, अभी अलीपुर में आपका पासपोर्ट ऑफिस बन चुका है। तो इस प्रकार नज़ारे देखे दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस साइड में देखिए गाड़ी घोड़ा लगा है दोस्तों। अब हम लोग काम हो चुका है, मेरे जी भाई का भांजा का काम हो गया, गाड़ी का जो नाम चेंज करना हो गया, हम लोग निकल गए कोर्ट से, ठीक है दोस्तों। ये रहा मेरा भांजा हंसम, ये बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध ढाबा है यहाँ पे। हम लोग जब भी अलीपुर कूचबिहार जाते हैं इस ढाबा पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है वहाँ से। प्राइवेट ये है ढाबा, खाना खाएंगे यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। खाना वाना खा के फिर हम अपने जगह घर की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, बहुत पुराना ढाबा है दोस्तों। पहले तो ऐसे नहीं था, अभी ये बना है, अभी कुछ इस प्रकार से बना है। देखिए आदमी लोग कितना भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ रहता है इस ढाबे पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग खाना खा लिया है, लंच हो गया है,
इसी होटल खाए थे निम्ती का, बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध होटल है। हम लोग छोटा से जब भी अलीपुर जाते थे कुछ काम के लिए इसी होटल में हम लोग खाना खाते थे, तो तब से लेकर आज तक हम लोग खा रहे हैं। हम लोग खाना मिलता है यहाँ पे, थोड़ा सा प्राइस लेस है लेकिन खाना अच्छा मिलेगा आपको खाना का। तो दोस्तों आज का सफ़र भी हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया, बेगम से अलीपुर जाने का कोर्ट में कुछ काम था वो काम भी हो गया और सफलतापूर्वक हो गया काम, सब दिन खुशी है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और चलते चलते मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, गुड बाय, सलाम और डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑल इज़ वेल रहेगा दोस्तों, ठीक है। आज मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ।